नमस्कार इंडिया टाइम, आपका स्वागत है। ब्रेक में बलिया बोइली एवं मिसरौली के प्रधान की भ्रष्टाचार पर यूपी सरकार गोपनीयता से जांच करा सकती है। प्रधान तो सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुभर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बोइली एवं मिसरौली प्रधान के भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश सरकार गोपनीयता से लेते हुए गोपनीय जाँच करा सकती है। सूत्र के अनुसार ग्राम प्रधान विकास कार्यों में व्यापक स्तर पर धांधली करने का आरोप, आवास शौचालयों पर भी धांधली हुआ है, इस तरह की गंभीर आरोप लगे हैं। रहा और एक जागरूक हुआ ग्राम सभा मिसरौली भोली से। जी भोली भी इसमें आ जाएगा। भोली जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ग्राम प्रधान के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए ग्राम सभा में? कागज पे तो बहुत सारे कार्य किए गए होंगे जिनका विवरण प्लानिंग ईयर्स के एप्स पे के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव के लोगों को कुछ ऐसा लगा होगा जो काम कागज पे हुआ हो लेकिन धरातल पे ना हुआ हो। तो मैं मानता हूं कि एक जागरूक के नाते उसका जांच कराना और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, ये कहा गया है जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा चार सालों के दौरान विकास कार्यों में पूरी तरह उन्होंने धांधली किया है। सड़क के नाम पर उन्होंने धन उगाही किए, जो सड़क का अगर काम भी कराए तो 2 नंबर के मटेरियल का काम किए हैं, और जो नालियां बनी उसमें भी धांधली किए हैं। 16 लाइट की क्या आपके यहाँ व्यवस्था है, जो नालियां कुर्सी क्या व्यवस्था है, मैं तमाम से जब तक देखिए जब तक DPR हम लोग देखेंगे नहीं तब तक क्या नहीं समझ पाएंगे कि कौन से रोड में कौन सा मटेरियल लगा है। हाँ, दूसरी बात है तो मैं यह कह सकता हूँ दावे के साथ कि पिछले 4 वर्षों में 1 भी सोलर लाइट ग्राम सभा के निधि से नहीं लगा है, और कुर्सी भी 1 भी नहीं लगा है। ये खुली बैठक होती है? खुली बैठक भी कभी उस तरीके का नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले बात तो अगर हम लोग कहें कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई देश का हृदय गाँव में बसता है, और गाँव में जो इस तरीके से मीटिंग होना चाहिए, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा के प्रधान के जो नेतृत्व है वैसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में भयभीत थे, मालूम है आपको? जी, उस तरह उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश हुआ है ग्राम प्रधानों के लिए, जी, जगह जगह पानी की व्यवस्था है, टॉली की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, सार्वजनिक जगह होने चाहिए, क्या इस तरह की आपके यहाँ व्यवस्था है? हमारे गाँव में सरकार का कोई भी गाइडलाइन जारी होता है उस तरीके का धरातल पे आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ, और कोरोना वायरस जो पूरे मानवता समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म संकट है उसको लेकर के तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल ही जानकारी उस तरीके का नहीं है। जो कहा गया प्रधान द्वारा गांव-गांव हर जगह जाकर प्रचार करेंगे, यह ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। प्रधान का एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है सेक्रेटरी, वो तो आज तक कभी दृश्य ही नहीं अपना दिखाए हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव में 90% लोगों को जानकारी नहीं कि उनका सेक्रेटरी कौन है। जी, क्या आपके ग्राम प्रधान की कहा गया जो शौचालय के नाम पर धन उगाही की गई है? तो देखिए, मैं इसमें प्रधान का ही बहुत बड़ा दोषी नहीं मानता हूँ। देखिए, मोदी जी ने डायरेक्ट वो पैसा DBT के माध्यम से डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में भेजा है, अब लोग अपने निकाल करके दिए ना हो, दिए हो या ना दिए हो, जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते हैं। जी, तो आपकी प्रधान क्या प्रधान के खिलाफ जांच होनी चाहिए? अगर बिल्कुल होना चाहिए, एक प्रधान का ही नहीं, मुझे लगता है कि हर समाज में जो भी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम लोग अगर वास्तविक तौर पे युवा हैं, अगर हम लोग वोट दे करके उनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं तो हमारा कर्तव्य उनके प्रति जागरूक होकर के काम करना है। विधानसभा से शिकायत करती है, अगर एक प्रधान दबंग किस्म के आदमी है, अगर कोई शिकायत उनके पास लेकर जाता है तो उनकी फरियाद ना सुन के उनको दुख खुद सुना रहता है। यह तो देखिए, हम लोग के सामने कभी नहीं हो पाया और हम लोग के सामने भी ऐसा नहीं हो पाता है। जी, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कमेटी ग्राम सभा में आने की इच्छुक है? बिल्कुल आनी चाहिए, मैं तो पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर जो भी हमारे भाई इसमें कंप्लेन किए हैं तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम जांच में अगर दोषी पाए जाते तो ग्राम प्रधान समेत सब जाएंगे जेल। बिल्कुल जेल जाना चाहिए और बहुत कठोर से कठोर सजा देना चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। लेकिन एक छोटा सा अपील ये भी है
कि आप भी बहुत अच्छे से इस बात को अवगत हैं और जानते भी हैं कि सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण योजना चाहे कोई भी काम एक प्रधान के ही भूमिका से नहीं होता है। इसमें जितने भी लोग अगर शरीक हुए हैं तो यह सबकी दायित्व है कि सजा सबको मिले, सबको सजा मिलना चाहिए। एक प्रधान को मिलना चाहिए, एक सेक्रेटरी को मिलना चाहिए और सेक्रेटरी के साथ साथ जो भी उस कार्ययोजना को संचालित करने वाले लोग हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।